हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम जा रहे हैं घर, और घर आने का थोड़ा एक्साइटिंग है। वैसे टाइमिंग 9 बज रहा है, ट्रेन 11 बजे है। चलिए जिया जा रहे हैं छोड़ने, और सामान वामान तो बहुत अधिक है, टॉयलेट टूट चुका है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको स्टेशन पर। पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। सर पहले पहुँचा, दिया छोड़ के चले गए, और हम यहाँ बैठेंगे इस रूम में। ठीक है, ट्रेन आता है उसके बाद मिलते हैं। ये हमारा सामान, एक बैग मेरे पीठ पे है, ये देखिए, और हमारा ट्रेन आ चुका है। ट्रेन आ चुका है, दैट्स सामान अंदर रख दिया जाएगा। सफ़र स्टार्ट, रास्ते में इंजॉय किया जाएगा घर पहुँचने के बाद, बाकी बातें आपसे। चलिए बैठते हैं अपने सीट पे, फिक्स करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको भी, और सफ़र का मज़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन दोबारा सिक्योरिटी चेक दोबारा भी होता है, अच्छी बात है, होना चाहिए। हम अभी जौनपुर क्रॉस कर रहे हैं, हमारा ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे अभी जौनपुर क्रॉस कर रहे हैं। जौनपुर में लगभग 1.5-2 घंटे रुका हुआ था, और 1.5-2 घंटे से हम यहीं रुके हुए थे। जानते हैं वैसे मुजफ्फरपुर को हम पहुँचेंगे लगभग 12-1 बज रहा, रात हो ही जाएगा, हो सकता है रूम पर हम पहुँचते, मतलब घर पहुँचते सुबह भी हो जाए, मतलब कल पहुँचे, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। हम गए थे क्योंकि अभी जगह वॉइस बहुत कम आ रहा होगा। हम पहुंचे हैं अभी फ़िलहाल में बनारस। ये हमारा वाराणसी जंक्शन काम हो चुका है। चल दिया, वाह, टाइम पे चल दिया, चलो अच्छा। यहाँ से भी निकल गया, ट्रेन इतना लेट है, क्या है बताएं, खा नहीं रहा है कि हाँ कितना घंटा लेट है, क्या है, कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है किसी ऐप पे, ना IRCTC पे, और ना ही बेज मेट्रेन तो चल ही नहीं रहा, स्टक है। पीछे ही लखनऊ के आगे एक स्टेशन है, उसके वहीं पे स्टक है, उसके आगे बड़ी नहीं रहा। माथा दर्द अलग पकड़ लिया है। तो यार कौन ट्रेन में जाता है यार, कल रात से बैठे हुए, 8 बज गए, टाइम देखना चाहिए कम से कम, फिर पहुँचे 2 घंटा। अभी पहुँचे हैं गाजीपुर सिटी, और अभी भाई बोले हैं पहुँचेंगे 2 घंटा में छपरा। 2 घंटा में छपरा पहुँच जाते हैं, 3-4 घंटा में तो मुजफ्फरपुर पहुँच ही जाएंगे। वहाँ पहुँचने के बाद अगर 12-1 बज भी पहुँच जाते हैं तो ट्रेन है, पकड़ेंगे और घर जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले खाना पीना खाए, थोड़ा सा बचा हुआ था। ठीक है, फाइनली यार खत्म हुआ, उसने वाले हैं मुजफ्फरपुर, लिया है एक बैग अंदर ही है, 2 बैग अंदर ही है, वो निकाला जाएगा, और कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से उदिया जाने के लिए, बैठा जाएगा, वेट किया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। 4 घंटे तक स्टेशन पे वेट किया जाएगा, और उसके बाद से बैठा जाएगा ट्रेन में, उसके बाद घर। ओके, चलिए चलते हैं। हम मुजफ्फरपुर तो आ गए, वैसे मुजफ्फरपुर हम आए हुए 4 घंटा हो गए, 12 बजे ही पहुँच चुके थे, 4:15 हो रहा है, और ये बैग और ऐसे एक आगे एक पीछे, एक सांस में ऊपर, ये पूरी सीढ़ियाँ मैंने चढ़ गया, नीचे नहीं उतरेंगे अभी, लाउंज का वेट करते हैं, देखते हैं किस पे ट्रेन आता है। फाइनली तैयारी पहुँचने वाले हैं, ट्रेन में बैठ गए, ऐसे सीट तो मिला नहीं है, ये विकलांग भी नहीं है, सेकेंड AC है, हम अंदर नहीं गए, गेट पे सामान रख लिए हैं, और ये बैठे हुए थे फादर खड़े हो गए। मैं पेट के साथ पीछे लगा था, ये विकलांग बोगी पीछे ही होता है, आगे पीछे दोनों होता है, पीछे लगेज वाला है,
पहुंचने वाला है थोड़ी देर में, पहुंच गया। भाई का वेट कर रहे हैं, शायद आवाज़ कम आ रहा होगा, आवाज़ नहीं आ रहा अंदर से। भाई का वेट कर रहे हैं, अभी कॉल किए थे, बोला आ रहे हैं रास्ते में। हम पहुंच गए हैं घर, फ्रेश हुए हैं, नहाए धोए, पूजा किए हैं, खाना पीना खाया जाएगा, सो जाया जाएगा। बॉडी अब जवाब कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, थोड़ी सी दया मैं दिखा दो यार। चले मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर।